केंद्र सरकार के द्वारा 13 पॉइंट रोस्टर लागू किया जाने पर एससी संघर्ष समिति के पदाधिकारी गण व सदस्य सभी लोगों ने संयुक्त जिला कार्यालय भवन में कलेक्टर के पास जाकर महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ जी के लिया ज्ञापन सौंपा। पदाधिकारियों से चर्चा करने पर बताया कि केंद्रीय सरकार द्वारा लाया 13 पॉइंट रोस्टर हम एससी वर्ग के लिए हानिकारक होगा, जिससे हमारे एससी भाइयों के पदोन्नति आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा। हमारी आज का संघर्ष समिति जो 1950 में हमारा 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची ये आज तक लागू नहीं है संविधान का, और संविधान 50 में लागू हुआ है देश के लिए, मगर भारत में 5वीं अनुसूची न 6वीं अनुसूची का कोई आज तक लागू नहीं हुआ है। इसी सब के विरोध में हम लोग आज संघर्ष समिति यहाँ आंदोलित हैं, और अभी जो रोस्टर 13.13 के विरोध में जिसमें हम लोगों का अधिकार को हनन किया जा रहा है एसटी एससी का, इस कारण से हम लोग मतलब उसमें ओबीसी भी प्रभावित होगा, इसी वजह से हम लोग आज के आंदोलन किए हैं और भविष्य में करते रहेंगे अगर ये मतलब निराकरण नहीं होगा तो। नाम बताओ। मदन सिंह पोर्ते, संरक्षक एसटीएससी संघर्ष समिति। अभी पोस्ट है, आज भी वेकेंट है छात्रावास में, और भी जो मजदूरों की कर्मचारियों की भर्ती होना है, इसके बावजूद जो छठी पर किया गया है वो गलत है, इसके विरोध में हम लोगों ने भी एक आवेदन लगाया है और ये तब तक जारी रहेगा। और हम तो लड़ाई मूलतः जो हमारा एससी एसटी संघर्ष समिति जो बना है ये अनुसूचित जाति जनजाति के अधिकारों के जब जब उनके साथ कुठाराघात होंगे तब तक हम आंदोलन करेंगे अपने अधिकारों की रक्षा के लिए। और इसी तारतम्य आप छत्तीसगढ़ प्रदेश स्तरीय हमारा संगठन बना है, हम इसका विस्तार देश भर में करेंगे, सभी जिलों में सभी अन्य प्रदेशों में भी जाके हम इसका विस्तार करेंगे, और ये शुरुआत हो चुकी है, बहुत ही जल्दी हम इनका विस्तार करेंगे। समिति का फाउंडर मेंबर हूँ, प्रदेश सतनामी समाज युवा प्रकोष्ठ प्रगतिशील के प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज जो है देश में एससी एसटी के अधिकारों के केंद्र सरकार द्वारा लगातार जो है एससी एसटी के अधिकारों के ऊपर कुठाराघात किया जा रहा है, चाहे पदोन्नति में आरक्षण का मामला हो, चाहे आदिवासी समाज को भी जो है लाखों की संख्या में जंगल से बेदखल करने का हो कि उनको विशेष अधिकार है आदिवासी एरिया में, चाहे वो जनप्रतिनिधित्व कानून में हो, चाहे किसी तरीके से अन्य जल जंगल जमीन में उनको पूरी तरीके से स्वतंत्रता प्राप्त है। और ऐसे संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने निर्माण किया है, जिसको हम विश्व का सर्वोच्च संविधान कहते हैं, और ऐसे संविधान के साथ अभी केंद्र सरकार मोदी सरकार ने जो छेड़छाड़ की प्रक्रिया शुरू की है उसे देश भर के एससी एसटी के लोग बहुत आक्रोशित है। और अभी पदोन्नति में आरक्षण के ऊपर चाहे 13 पॉइंट रोस्टर जो है जिसमें कभी भी सालों साल तक एससी एसटी के लोगों को नौकरी में एक भी पद का अवसर नहीं लगेगा, ऐसा साजिशपूर्ण ढंग से, चूंकि हम लोगों ने 2 अप्रैल को देश भर में एक क्रांतिकारी आंदोलन करके इनको सबक सिखाने का काम किए थे, तो जो है पीठ पीछे कोर्ट के आड़ में जो है केंद्र सरकार एससी एसटी के अधिकारों को खत्म करने का साजिश रच रही है, और उसका हम निंदा करते हैं। और इसके लिए राष्ट्रपति महोदय जो स्वयं अनुसूचित जाति से दलित वर्ग से संबंध रखते हैं उनसे हम लोग आज गुहार कर रहे हैं कि आप समय रहते हुए समाज के हित में निर्णय लें, और नहीं तो फिर 2 अप्रैल से भी उग्र आंदोलन जो है एससी एसटी करेगी। और आज इसी मुद्दा को लेकर यहाँ पर माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को एससी एसटी संघर्ष समिति के बैनर तले यहाँ पर ज्ञापन दिए हैं प्रदेश अध्यक्ष मोहन बंजारे। करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। एससी एसटी की रक्षा कौन करेगा? जय सेवा, जय सतनाम। मैं इंजीनियर मोहन राय उर्फ काला भाई, एससी एसटी संघर्ष समिति का प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़। आज हम लोगों ने 13 पॉइंट रोस्टर और अन्य मांग को मांग करते हुए श्रीमान कलेक्टर महोदय के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपे हैं, जिसमें हमारी मांगे है कि जो 13 पॉइंट रोस्टर है, जो एससी एसटी ओबीसी के लिए काला रोस्टर है, काला कानून रोस्टर है, इस काला कानून रोस्टर में आने के बाद हमारे एससी एसटी ओबीसी के भाइयों को उनके पद का मूल्यांकन नहीं हो पाएगा, उन लोगों को कोई पद नहीं मिल सकता। और ऐसे हालत में जो हजारों साल से गुलामी के जंजीर में जकड़े हुए समाज
समानतावाद और भारत की संविधान के अनुसार समतामूलक समाज की स्थापना नहीं हो सकता। हम तत्काल भारत सरकार से और माननीय न्यायालय से मांग करते हैं कि 13 पॉइंट रोस्टर को तत्काल रद्द कर 200 पॉइंट रोस्टर जो पूर्व में चले आ रहे हैं उसको लागू करें। यही हमारी मांग है। और हमारी दूसरी मांग है बैकलॉग पद जो होता है, सीधी भर्ती जो होता है एस सी एस टी के, उसमें संविदा कर्मी, दैनिक कर्मी, आशाकालीन और अन्य पदों से हमारे लोगों को उस भर्ती में लिया जाते हैं जो उनके साथ अन्याय है और संविधान के और आरक्षण के जहां तक मैं समझता हूं उनके साथ हत्या है। हम मांग करते हैं कि बैकलॉग पदों को सीधी भर्ती में और अस्थायी पदों में भरा जाए। तीसरी मांग है हमारी प्रमोशन में आरक्षण। अभी तक हम लोगों को भारत सरकार में प्रमोशन में आरक्षण की जो व्यवस्था थी उसको माननीय न्यायालय के द्वारा निरस्त कर दिया गया। हम मांग करते हैं एस सी एस टी संघर्ष समिति के द्वारा कि आरक्षण में प्रमोशन मिलना चाहिए। चौथी मांग है प्राइवेट सेक्टर में हमारे लोग नगण्य है। हम मांग करते हैं कि सभी जितने भी निजी संस्थानें हैं वहां पर हमारे लोगों को आरक्षण दिया जाए। छत्तीसगढ़ प्रदेश सहित आदिवासी बहुल क्षेत्रों में जो वन अधिकार पट्टा दिया जा रहा है उसमें पहले प्राथमिकता आदिवासियों को हो, उसके बाद जो वहां पर और अन्य लोग निवास है उनको दिया जाए। छठवीं जो मांग है हमारे देश के न्यायपालिका के द्वारा बेदखल करने की तैयारी कर दिया है। हम मांग करते हैं कि उस फैसले को तत्काल रद्द करें और वन अधिकार जो पट्टा है वो आदिवासियों को मिले। इन्हीं बिंदु को ध्यान में रखते हुए महामहिम राष्ट्रपति जी को हमने ज्ञापन सौंपे है और इस बिंदु को तत्काल महामहिम राष्ट्रपति जी संज्ञान में ले, क्योंकि हमारे देश के राष्ट्रपति जी जो एक दलित वर्ग से है, अनुसूचित जाति वर्ग से है, लेकिन ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति जी मनुवादी व्यवस्था, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के गुलाम में फंसकर हमारे विरुद्ध ही फैसले लेने में अमल कर रहे हैं, हमारे विरुद्ध फैसला लेने में उसको मजे आ रहे हैं। हम मांग करते हैं महामहिम राष्ट्रपति जी को कि एस सी एस टी के हक अधिकार को ध्यान में रखते हुए उनके मांग को जायज, मांग को संविधान की मांग को जायज समझते हुए उनमें तत्काल उपरोक्त सभी मांगों को मान्य किया जाए। यही हमारी मांग है। ज्ञापन के अन्य मांगों में सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार आदिवासियों को वनाधिकार पट्टे से वंचित किए जाने व भेदखल किए जाने का विरोध किया। हमारी मांगों को न मानने पर भविष्य में उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई। सुशील बंजारे जी जो कि सतनामी समाज के जिला सचिव है, वह भी मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस समाचार के रिपोर्टर है हमारे बलौदा बाजार संवाददाता श्री निशांत श्रीवास्तव।